हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने चाह रहे हैं और हमारे क्वेश्चन का नाम है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। तो चलिए समझते हैं ये लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो जो डिक्शनरी में हमें नंबर्स दिए होते हैं ना, जिस ऑर्डर में हमें नंबर्स दिए होते हैं, उनको हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या करना है। हमें एक नंबर दिया गया है और हमें बोला गया है कि हमें एक से एन, एन यानी कि जो हमें नंबर दिया गया है वहाँ तक, वन से लेके एन तक सारे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट कराने हैं अपने नंबर्स। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक नंबर दिया गया है 100। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा और फिर हमारे पास ये आएगा। अब ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या क्या आएगा, क्या हमारे पास 2 आएगा या 11 आएगा या 101 आएगा। तो अगर हमें लेक्सिको ग्राफिकल ऑर्डर की बात करनी है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए। अगर हमारे पास 100 तक की रेंज है तो इसके बाद हमारे पास 101 आएगा, 102 टिल हमारे पास ये 109 तक होगा। अब आप गैस कीजिए इसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट होगा, क्या हमारे पास 110 आएगा, बताइए क्या आएगा। हमारे पास 110 नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास 11 आएगा, उसके बाद 110 आएगा। अब 111, 112 से लेके हमारे पास 119 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, 119 के पास हमारा 119 के बाद हमारे पास 120 नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 12, ठीक है, तो 120, और ये 121 से लेके 129 तक प्रिंट करेगा। सिमिलरली फिर हमारे पास 13 आएगा, 13 भी 139 तक प्रिंट करेगा। ऐसे ऐसे करते ये नंबर हमारा 19 तक जाएगा और 190, और जब हमारा यहाँ पे 199 हो गया, क्या अब हमारा इसके बाद 200 आना चाहिए, नहीं, इसके बाद हमारा क्या प्रिंट होगा, 2। तो अब सिमिलर ये 2 के लिए चलेगा, 20, 200, फिर अब हम 201 से लेके 209 तक जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 से 210, सिमिलर ऐसे करके हमारे जो नंबर्स हैं वो प्रिंट होते जाएंगे। तो ये हमारा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है। और ये जब 9 तक जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 90, 900, और देखो 901, और ये यहाँ से जाते जाते हमारे पास 909 तक जाके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 91। तो ये 99 तक जाएगा यहाँ से, ठीक है, समझ गए, 999 तक। तो इस तरह से जो हमारे नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट कराने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास डिक्शनरी में क्या गिवन होता है, मान लीजिए हमें कोई नंबर गिवन है ए बी सी डी। तो क्या होता है, हमारे पास ए बी सी डी पहले प्रिंट होता है, या जो भी हमारे पास ए वाले हैं नंबर्स वो प्रिंट होते हैं। ए ए प्रिंट होगा, ए बी प्रिंट होगा, ए सी ए डी टिल हमारे पास कहाँ तक जाता है, ये ए जेड तक, ठीक है। फिर हम अगर इसकी बात करें, अब ये कहाँ तक जाएगा, ये ट्रिपल ए से लेके ए जेड तक जाएगा। अगर हम इसकी करें तो सिमिलर इसके केस में भी ऐसा ही होगा, इसके केस में भी, इसके में भी, इसके केस में भी। तो हम यहाँ पे क्या फेथ लगाएंगे कि हमारा जो ए है ना वो अपनी फैमिली प्रिंट करा दे। सिमिलर फॉर बी, सिमिलरली फॉर सी एंड सिमिलरली फॉर डी। देखो कैसे, यहाँ पे एक हमें नंबर दिया गया है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो हम यहाँ पे क्या फेथ लगाएंगे कि जो 1 है ना वो अपनी सारी फैमिली प्रिंट करा दे, उसके बाद 2 अपनी सारी फैमिली लेके आ जाए, 3 और सिमिलरली 4, और ये कहाँ तक, टिल ये 9 तक जाएगा। अब देखो 1 में क्या आएगा हमारे पास, अगर हम बात करें तो पहले 10, फिर 11, कहाँ तक जाएगा ये 19 तक आएगा। 2 ये कहाँ तक, 20, 21, 22 और 29 तक। अगर मैं 3 की बात करूँ तो ये 31, 32, ये 39 तक की फैमिली प्रिंट कराएगा। सिमिलर फॉर 4, 49। अब ये देखिए ये हमारा 100, 100, और ये क्या करेगा हमारी 101, 102 और यहाँ से लेके 109 तक की सारी फैमिली प्रिंट कराएगा।
तो हमने यहाँ पे फेथ लगा दिया कि जो 1 है वो हमारी सारी फैमिली प्रिंट करा देगा, सिमिलरली फॉर 2, 3 एंड 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी तक क्या करा है। तो चलिए मूव करते हैं कोड की तरफ। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के नाम से, ठीक है। अब देखो, इसमें हम एक अपना आई पास कराएंगे और एक एन। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले प्री ऑर्डर में काम करेंगे। पहले तो अपना आई प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद हम फेथ लगाएंगे कि जो आई है, यानी कि ये जो 1 है, ये मेरे को अपनी फैमिली ला के दे देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, इंट जे 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर ना हम कुछ करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने एन जो है वो यूज़र से उसकी इनपुट ली हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फोर लूप यूज़ करनी है जो हमारी 1 से 9 तक की हमें हमेशा फैमिली ला के दे और 1++, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने ये फंक्शन कॉल करा और इसमें आई और एन पास करा दिया। ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, ये हमेशा 1 से लेके 9 तक के हमें नंबर्स जो है वो यहाँ पे पास करेगा, और इसकी हेल्प से हम आगे फैमिलीज प्रिंट कराएंगे इसकी। अब देखो, यहाँ पे हम DFS को कॉल लगाएंगे और क्या करेंगे, उसमें 10 इंटू आई प्लस जे एन, ठीक है। ये क्या करा हमने, अब 10 से 100 कैसे होगा, इंटू 10 करके। अब 100 से 1000 कैसे आएगा, इंटू 10 करके। और वो जो प्लस 1 प्लस 2, 100 प्लस 1, 101, 101 हो जाएगा। फिर 10 इंटू आई इंटू जे, तो जे हमारे जे की वैल्यू बढ़ कम रही है, जे की वैल्यू 0 से लेके 9 तक आ रही है, जो कि हमारा ये वाला केस है। देखो, 10 इंटू आई प्लस जे, जे हमारा वेरी कर रहा है 0 से 9 तक, तो इस तरह से हमें हमारी वैल्यू मिल रही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें कंपाइलेशन एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम C++ यूज़ कर रहे हैं और हम प्रिंट जावा की प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी करेंगे आई और एंड लाइन। तो चलिए इसको रन करते हैं, फिर हमें जो है रन टाइम एरर दिख रहा है। तो चलिए इसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक चीज़ का ध्यान रखा, हमने यहाँ पे बेस केस तो दिया ही नहीं, जैसे ही हमारा आई हमारे एन से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं। अब हमारी ये जो आउटपुट है वो एक्सेप्ट हो रही है, सो लेट सबमिट दिस कोड। तो यहाँ पे हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा है। तो चलिए एक बार इस कोड को ना थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं, सो दैट आप इजीली समझ पाओ। देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड जो है कॉपी करके ले चलती हूँ न्यू पेज पे। आई होप आपको ये कोड दिख रहा है। देखो, सबसे पहले हम अपना जो है आई है 1 और इसकी रेंज है 9 तक, आई प्लस प्लस, आई 1 और एन हमें कुछ भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए 100, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ पे चला गया। सबसे पहले आई प्रिंट होगा, आई हमारा क्या है, 1 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब हमारी जे वाली लूप चलेगी 0 से लेके 9 तक। अब देखो, 10 इंटू 1 और जे इनिशियली 0 है, तो ये हमारा हो गया 10, ठीक है। अब हमने फेथ लगाया कि 10 वाला अब अपनी हमें फैमिली ला के दे देगा। अब जब जे की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 10+1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा। उसके बाद बढ़ के फिर हमारी जो 1 से वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये 100 होगा, फिर 101, 102 टिल 109। तो ऐसे करके हमारा ये फंक्शन चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कोडिंग सेक्शन में क्या करा है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।